डिस्क्लेमर, इस वीडियो में हम जिस दरिंदे की बात करने वाले हैं, तो वो दरिंदा अगर तुम्हें कहीं मिले और गुस्से में तुम्हें बोले कि मैं तुम्हारी गेंद मार दूंगा, तो उसकी इस बात को गाली समझकर कतई इग्नोर ना करें, क्योंकि इस दरिंदे के अंदर इतनी ठरक भरी हुई है कि ये सच में मार भी देगा। सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन तुम सभी का एक और वीडियो में। यार इस वीडियो में अपन लोग बात करने वाले हैं ठरक के इस भंडार की, जिसका नाम है ईशान मासी। तो ये भी रील्स के उन्हीं कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स में शामिल है जिसने की मॉडल बनने के चक्कर में बेशर्मी को अपना करियर बना रखा है, क्योंकि इसकी रील्स वीडियो देखने के बाद तुम्हें भी ऐसे ही लगेगा कि किसी ने फुल एचडी क्वालिटी में इसके एमएमएस को अलग अलग एंगल से शूट और एडिट करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया है। बहुत सही काम चल रहा है इनका, कंटेंट तो बाद में भी बनता रहेगा, लेकिन पहले शौक पूरे कर लेते हैं चूतिया। अब वैसे सीक्रेट पतन के ये मरीज खुद को एक मेकअप आर्टिस्ट कहता है, लेकिन जिस तरह का पैसा ये अपने इंस्टाग्राम रील्स पर दिखा रहा है, वो देखकर तो लगता है कि ये मेकअप नहीं बल्कि मेक आउट आर्टिस्ट होगा। इस दरिंदे के पूरे इंस्टा प्रोफाइल चेक करने के बाद मुझे एक बात पता चली है, एटीएम में लिमिट होती है ना कि 500 रुपए के नीचे तुम कुछ भी नहीं निकाल सकते हो, वैसे इसकी वीडियो की भी लिमिट है कि यार किसी लड़की के साथ रील्स बना रहा है, चुम्मा चाटने और शरीर को जीभ से चाटने के नीचे ये कुछ भी नहीं करता है। बस कुछ ऐसी सीन्स की वजह से अच्छी खासी फिल्में भी सीक्रेट की फिल्मों में जुड़ जाती हैं, लेकिन ये ठरक का वारिस ऐसी हरकतें इंस्टाग्राम रील्स पर कर रहा है, घाट में मिला रहा है हमारी इज्जत को बैन करना। नहीं, एक तो जो ये दूसरे देश की रील्स वीडियो से कॉन्सेप्ट बनाकर यहाँ कूल बनने की कोशिश कर रहा है ना, तो इस जॉनी सिंह के भक्त को ये बताओ कि बाहर के देशों के लोग और यहाँ के लोग और उनकी सोच में बहुत फर्क है। और दूसरी बात कि बाहर के देशों में पॉर्न बैन नहीं है, जो कि इंडिया में है। तो मतलब कुल मिला के देखा जाए तो इस ठरक के भंडार की ये असली हरकत है, तो हमारे संस्कार में फिट बैठ रहे हो, नहीं हमारे इंडिया के सोशल मीडिया सर्वर में। एहे, रहा नहीं जाता, समझ रहे हो? नहीं देख रहे हो, ये बंदा अपने वीडियो में कंटेंट के नाम पर ठरक को इतने एक्सट्रीम लेवल तक ले जा चुका है ना, अगर इसके बाद किसी ने उसको बोल दे कि आप अपनी कंटेंट की क्वालिटी बढ़ाओ, तो वो बड़ी भी कंटेंट क्वालिटी देखने के लिए साथ में इनकॉग्निटो मोड पर जाना पड़ेगा। कंट्रोल नहीं, मतलब तुम लोग भी देख सकते हो कि कंटेंट के नाम पर क्या हरकतें कर रहा है ये। इस बंदे के लिए मेरे मन में सिर्फ कुत्तों की वजह से इज्जत बची हुई है, ये चाहे कितना भी ठरके हो लेकिन कुत्तों की तरह कहीं पर भी किसी के साथ पीछे से शुरू नहीं हो जाता है। परफेक्ट कैमरा एंगल देखकर सिर्फ एक या ज्यादा से ज्यादा दो ही लड़कियों के साथ अपने ठरक मिटाता है, वो भी आगे से। चले तू, अब ये देखकर तुम लोग अंदाजा लगा सकते हो यार कि लोग कितने नीचे गिर सकते हैं सिर्फ लाइक और फॉलोवर्स के चक्कर में। मतलब जितनी गंदी तुम्हारे सोफियान सर की रील्स देखते हुए नियत नहीं होती होगी ना, उससे पता इस बंदे का इंस्टाग्राम रील्स का कंटेंट है। अब ऐसे खुद को ही एक डांसर कहता है और ये इंडिया गॉट टैलेंट का कंटेस्टेंट भी रह चुका है, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें इंस्टाग्राम पर अपने डांस ज्यादा यहाँ से ठरक भाते हुए दिख जाएगा। ये लगता है कि भाई का ब्रांड प्रमोशन करके पैसा कमाने के अलावा इज्जत कमाने का कोई शायद इरादा नहीं है। इस बंदे ने कोई लोकेशन कोई गाना ऐसा नहीं छोड़ा है जिसमें कि ये तुम्हें अपना मुंह लड़की के छाते पर रगड़ता हुआ ना दिखे। नहीं, जिस तरह का ये काम कर रहा है ना, तो और जगह तो कहीं नहीं, लेकिन हॉस्पिटल में जो स्पर्म डोनेट करने वाला रूम होता है उसके बाहर इसकी फोटो का इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं, ताकि फोटो देखकर लोगों को अंदाजा लग जाए कि हाँ, इस रूम में तुम अपनी ठरक को खुले दिल से मिटा सकते हो। तो बाकी सलाजीत के इस ब्रांड एम्बेसडर से मैं यही कहना चाहूंगा, भाई जरा अपनी ठरक के मोह माया से बाहर निकल और अपने शरीर को मौका दे कुछ और करने का भी। ठीक है। खैर, इसके बारे में हम इससे ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी वीडियोस देखकर मेरा भी मन उतावला हो रहा है और मैं ये कतई नहीं चाहता कि मैं भी कोई अनहोनी करूं और फिर मेरे शरीर को कमजोरी महसूस हो, इसलिए इस वीडियो को फिलहाल यहीं पर खत्म करते हैं। अब अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, बाकी अगर चैनल सब्सक्राइब कर सकते तो वो भी कर देना यार। तो चलो फिर अपन लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।